अयोध्या में रामलला को विराजमान हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, पर श्री राम मंदिर में श्री रामलला श्रृंगार अर्चना भोग पहनाव आदि में बदलाव लाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। ऐसा प्लान क्यों किया जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम को कंदमूल बेर सहित कई तरह के आदिवासी भोजन प्रिय थे, क्योंकि उन्होंने लंबा समय जंगलों में बिताया था और उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए उनके भोग में बदलाव करने का प्लान तैयार किया गया है। इसलिए उनके 56 भोग में जंगल और आदिवासियों की भोजन सामग्री शामिल की जाएगी। भोग के साथ साथ पुजारियों के पहनावे में भी बदलाव करने की बातें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि पुजारियों के लिए पीली चौबंदी, सफेद धोती और केसरिया पटका होगा, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार पुजारियों के ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिसमें पांव या सिर डालना होता है। सभी पुजारी केसरिया कुर्ता और धोती पहनते हैं। अभी पुजारी केसरिया कुर्ता और धोती पहनते हैं, जिसमें बदलाव करने का प्लान किया जा रहा है। गौरतलब हो कि मंदिर में बढ़ते श्रद्धालुओं के चलते योग्य पुजारियों की भर्ती करने पर भी विचार किया जा रहा है। इस बीच प्रशिक्षण पा रहे 21 नए पुजारियों ने भी परीक्षा पास कर ली है। ट्रस्ट पुजारियों को हर महीने 32,000 रुपए करीब का वेतन देता है। अभी मंदिर में एक मुख्य पुजारी के साथ 5 पुजारी हैं। मंदिर के परकोटे में 6 और परिसर में 7 नए मंदिर तैयार हो रहे हैं। जाहिर है इनके लिए और पुजारियों की जरूरत होगी, इसके लिए भी विचार चल रहा है। इसी तरह ब्यूरो रिपोर्ट द क्राउन न्यूज़।